हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम कर रहे हैं चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्लास 8, चैप्टर इज 6। फर्स्ट हमने स्टार्ट की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर, जहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था अगर हमारे पास कोई नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। वहीं जब हमारे पास डिजिट क्या हो जाएगी 2, 3, 7, 8, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है, और जिनका नहीं होता है दे आर 2, 3, 7, 8। फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा था। सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 1, 9, 1, 9, 1, 9 तो उसका स्क्वायर जो होगा हम हमेशा 1 आएगा। एंड एक और पॉइंट निकल के आया था कि अगर आपके पास नंबर 4, 6, 4, 6 इस तरह सीरीज में चलता है तो उसका स्क्वायर 6 आएगा। मींस 6 जिसकी लास्ट डिजिट होगी उसका नंबर क्या होगा, 4, 6, 4, 6 होगा। ये पढ़ी थी हमने स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर रूट्स में। कैसे? अब ये नंबर है, ये इसका स्क्वायर है। अगर इस नंबर का हम स्क्वायर रूट लें, 16 को हम बोल सकते हैं 4 × 4। स्क्वायर रूट में हमें लेना होता है एक पेयर, तो वो इसका उल्टा होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट जस्ट उल्टा होगा, तो प्रॉपर्टीज़ भी हम क्या करेंगे, यही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी सेम स्क्वायर रूट्स में। आइए देख लेते हैं एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ पे वंस डिजिट निकालनी है। अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकालें तो वंस डिजिट क्या आएगी। हमने देखा था 1, 9, 1, 9 की सीरीज चलेगी, तो ऐसे अगर ये स्क्वायर नंबर है तो इसका जो एग्जैक्ट नंबर है दैट इज़ आल्सो एंडिंग विद 1 और 9। तो इसकी वंस डिजिट क्या पॉसिबल है, 1 या फिर 9। सेकेंड में अगर हम इस नंबर को देखें, दैट इज़ नंबर इज 6। 6 स्क्वायर, 6 परफेक्ट स्क्वायर कब आता है, जब हमारे पास गिवन नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। जब हमारे पास नंबर 1 होगा परफेक्ट स्क्वायर्स में, तो डिजिट्स आ जाएंगी आपके पास 1 या फिर 9। और जब आपके पास एंडिंग, ये आगे कुछ नंबर होगा, इसमें लास्ट डिजिट क्या होगी, 6 होगी, तो मींस गिवन नंबर में पॉसिबल डिजिट्स क्या हो सकती हैं, 4 या फिर 6। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है, तो हमारे पास ऑप्शंस फर्स्ट वाले की तरह क्या जाएगी, नंबर 1 और या फिर 9। कोई नंबर होगा जिसके लास्ट में या तो 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए, उसी का परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में 1 पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे नंबर 5 है, 5 का तो 5 ही होगा पॉसिबल डिजिट, लास्ट पॉसिबल डिजिट इज 5। क्वेश्चन नंबर 2, हमें ये बताना है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं ही नहीं। हमने एक पॉइंट किया था, यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो आपने स्टार्टिंग में स्टडी किए थे वो अप्लाई होने वाले हैं। अगर हमारे पास एंडिंग डिजिट 2, दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 2 थी ये, 2, 3, 7, 8, अगर इस तरह की हमारे पास एंडिंग डिजिट आती हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जहाँ लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 6, 9 या फिर 5 आती है, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वंस डिजिट इज 3, 7, 8, सो दे आर इंक्लूडेड, 3, 7 एंड 8
included in not perfect square. So these are not perfect square. ये है 441. Ending digit is 1. So it is, yes, it is perfect square. और इसका square भी अगर आप निकालें तो that is 21. Moving to question number 3. Find the square roots of 100 and 169 by method of repeated subtraction. इसी chapter में जब हमने किया था properties with odd number, एक एक odd number लेते जाएंगे, that is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, so on, और given number में से subtract करते जाएंगे. जैसे यहाँ पे example है 81 का, आपको square root निकालना है. This is the symbol of square root. आप start करेंगे first odd number से. पहले first odd number subtract करेंगे, आपके पास 80 आ जाएगा. Second odd number subtract करेंगे, आपके पास next result आ जाएगा. उसी तरफ से 5, 7, 9.